मानव मैं जाती हूँ। मैं सबको सर्व कर दूंगा, मुझे तो मानव मैं कर दूँ। ये लो सबूत। मानव, तुमने इसे क्यों किया? इतनी गंदी हरकत। तुम चरित्रहीन हो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अब लड़के के माता पिता आकर लड़की को सप्रेम भेंट देते। ले जाओ बेटी, इसे पहना करके ले आओ। लड़की के माता पिता आ जाएं। ये कपड़े पहना कर लेके आई है इन्हें। अब भाई और भाभी आकर के अपना सप्रेम भेंट देते हैं। अब बहन और बहनोई आकर के अपना सप्रेम भेंट वर वधु को दे। आ बेटा अर्जुन, माने आओ बेटे। अब लड़के के माता पिता आकर के शाकरपुड़ा की विधि संपन्न करें।
कैसे हैं बाबा? और क्लास कहाँ है आपका? आज मूड नहीं बनाएंगे? अरे भाई सगाई है वर्षा की, कम से कम 2-4 पैक तो होने चाहिए। नहीं उसी बहाने आपके बेटे की शादी की कुछ खास यादें ताजा हो जाएंगी। अरे आई आई कैसी हैं और कैसी रही आपकी जेल यात्रा? नहीं इस उम्र में लोग रेल यात्रा करके हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं और आप हैं कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही। नहीं नहीं होता है ऐसा होता है आई, क्या है कि जब इंसान की औकात नहीं होती ना तो... इंसान को बुलाया, फिर हमको क्यों बुलाया बोलो ना? आप भूल गई इसने तुम्हारी बेटी को बेइज्जत किया था? हाँ भूल गई आप? लेकिन मैं मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं भूली हूँ। बस सविता ताई बस, बहुत हो चुकी हैं आप। अजित हमारा मेहमान है और कोई हमारे मेहमान की बेइज्जती करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा सतीश के आई ने बुलाया था, तो सतीश के आई जानती नहीं थी अजीत की करतूत? बोल ना, जानती नहीं थी क्या? और मुझे एक बात बता, वो सतीश के आई भी तुम्हारी रिश्तेदार है ना? है कि नहीं? तो उसकी करतूत का जिम्मा तुम्हारा नहीं है? तुझे मैं एक कोकट में सलाह देती हूँ, तू ये आदर्श बहू बनने का जो नाटक करती है ना वो छोड़ दे, नेतागिरी कर नेतागिरी। ये टोपी घुमाना वगैरह तुम लोगों को बराबर आता है। भाई तू ये क्या बोली जा रही है? मैंने तुझे बताया ना तू कुछ नहीं बोलेगा सिर्फ सुनेगा। सविता अंदर जाके बात करते हैं। नहीं इसे मैं अंदर लेके जाने वाली नहीं हूँ। और वो चाहती है अंदर आना तो मेरी एक शर्त रहेगी। इसे मैं अंदर लेके जाने वाली नहीं हूं। और वो चाहती है अंदर आना तो मेरी एक शर्त रहेगी। वो मंजूर होगी तो बोल तू। इस घर में तेरे जितने दिन बचे हैं, उतने दिनों तक तू अपने मायके वालों से कुछ रिश्ता नहीं रखेगी, ना वहां से कोई यहां मिलने के लिए आएगा। ये अगर मंजूर है तो ही तू अंदर आ सकती है। मंजूर है?
मंजूर है? तू ये क्या बोली जा रही है? तू बीच में बात नहीं करेगा, तू मत बोल। बोल, तुझे मंजूर है? है मंजूर? अरे सोच क्या रही है, बोल, मंजूर है? मानोपंत, जी, हमें सगाई की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। भाई साहब, लेकिन कौन गलत है कौन सही ये मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि किसी के मान अपमान के लिए हम अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। जो हुआ सो हुआ, उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना है। जैसे आपकी मर्जी। राइट। भावना दे, थोड़ी देर पहले यहाँ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ और चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ उसका असर हमारे रिश्ते पर ना हो। कैसी बातें कर रही हैं सुलोचन भाई? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, उल्टा इस बात का मुझे गर्व है कि आपने मेरे सम्मान को बनाए रखने के लिए मानव और उसके परिवार वालों को इस घर से बाहर निकाल दिया। आज तक सिर्फ सुना था कि रिश्ते निभाने में सुलोचना ताई का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आज देख भी लिया। अच्छा नहीं किया आपके आई ने, क्या जरूरत थी अजीत को यहाँ पर बुलाने की? मैं मानता हूँ वर्षा की, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, इस बात का मुझे बेहद अफसोस भी है। मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को लेकर के अपने आज को खराब ना करें। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। सवाल आज या कल का नहीं है, हम लोग सही और गलत की बात कर रहे हैं। जिस इंसान की वजह से मेरी ताई की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उस इंसान की आज हमें अवगत करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे आई का मेहमान था। अगर मेरा बस चलता ना, मैं उस अजीत को खींच के थप्पड़ मार देती और इस घर से बाहर निकाल देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ भी बंधे हुए थे। एक तरफ तुम्हारी आई और एक तरफ मेरे आई बाबा, जिनकी वजह से मुझे चुपचाप रहकर सब कुछ देखना पड़ा। पता, अब मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे जीजू जिनकी कोई गलती नहीं थी, उस निहायती घटिया इंसान के यहां होने की वजह से उन्हें घर से निकलना पड़ा। मेरी ताई जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी सगाई भी नहीं देख पाई। बहुत मजबूर किया है तुम्हारी आई ने आज हमें, कम से कम मैं तो ये कभी नहीं भूलूंगी। मजबूर मैं भी था वर्षा, लेकिन सवाल लेकिन वेकिन का नहीं है। सतीश, तुम एक ही हो जो अपनी आई को उसकी गलती का एहसास दिला सकते हो, और मैं चाहती हूँ तुम ये करो, प्लीज।
तुम्हारी प्लेट में तो कुछ नहीं है। हाँ वो आओ मैं कुछ लेकर आती हूँ। हमें माफ कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हैं ताई? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। मैं भी भूल गई हूँ, इसी में सबकी भलाई है। और वैसे भी ताई, गैरों की गलतियों के लिए अपनों से गिला शिकवा नहीं करते। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक बात तो कहना ही भूल गई आपसे, कल होली है ताई, और हम लोग हर साल होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कल घर पे मैंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा है, मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस सेलिब्रेशन में जरूर शामिल हो। हाँ हम जरूर आएंगे। रसिका ताई आप भी जरूर आइएगा, अजित को साथ लेकर मुझे बहुत खुशी होगी। जी तुम भी जरूर आना। हाँ नमस्ते ताई। लेकिन आई मानव ने मुझे, अरे सुन मेरी बात, अगर कल कोर्ट में मानव ने तलाक लेने से ना कर दी तो तू क्या करेगी? अर्चना उसकी कोशिश लगातार चला रही है ना, तो तू क्या गोद में अपना बच्चा लेके हाथ पर हाथ धरे बैठे पापा के घर जाएगी तू? आई फिर मैं क्या करूं? अरे मेरी बेटी, तुझे मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ, मानव के नजदीक जा, उसके दिल में तेरे लिए जगह बनाओ। अरे वो तेरा होने वाला पति है बेटा, और अपने पति के जिंदगी में दूसरी औरत को तू बर्दाश्त कैसे कर सकती है बता ना? लेकिन ये लेकिन वेकिन की बात छोड़, ये तू सब सोचते बैठेगी ना तो ट्रेन निकल जाएगी। अर्चना मानव को पाने के लिए दिलो जहाँ से कोशिश कर रही है, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आजकल तू हद से ज्यादा करीब आने लगे हैं दोनों। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मुझे थोड़ा समय दे, मैं तुझे सबूत दिला दूंगी। देख बेटा, यही सही वक्त है, मानव को पाने के लिए तू जो भी करना चाहती वो कर, वरना पछताएगी। भैया जो भी सगाई में हुआ वो बहुत गलत हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें अजीत को वहां पर नहीं बुलाना चाहिए। एक मिनट, इससे पहले तो कुछ और बोले, मेरे एक सवाल का जवाब दे। यहाँ जो सामने बैठा है मेरे, वो मेरा बेटा है या फिर वर्षा का होने वाला पति? ये कैसा सवाल है? नहीं, इतने सालों में तूने इस तरह से मुझसे सवाल जवाब नहीं किए ना, इसीलिए लगता है काफी असर हो रहा है वर्षा की बातों का तुझ पर, काफी कान भर रही है तेरे। आई तेरे बेटे के इतने कच्चे कान नहीं है, उसकी खुद की एक समझ है। हाँ? और तुम्ही ने उसे उस लायक बनाया है कि वो सही और गलत में फर्क कर सके। आई आज अजीत की वजह से पूरा प्रोग्राम खराब हो गया, तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने उसे इनवाइट करके बहुत बड़ी गलती की थी? सतीश, अजीत तेरे बचपन का दोस्त है। दोस्त था आई, और तब तक था जब तक मैं उसकी असलियत से वाकिफ नहीं था, पर आज मैं उसके घिनौने चेहरे से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और मैं क्या, तुम भी वाकिफ हो? तुम नहीं जानती हो कि उसने अर्चना के साथ में क्या किया था? फिर भी
लतीश तुम्हें जो बात करनी है बैठ के आराम से बात करो। भाई अजीत वही इंसान है जिसकी वजह से अर्चना इस घर की बहू नहीं बन पाई। वो हमारा करीबी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी करे वो सही है। भाई वो गलत था और गलत है, और वर्षा की जो भी राय है उसके खिलाफ वो बिल्कुल सही है। मानव, अरे रचना क्या हुआ? मानव आज आई के घर पे जो कुछ भी हुआ ना, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मानव, अजीत की वजह से आपका और आई बाबा का जो अपमान। तुम क्यों माफी मांग रही हो अर्चना? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जाओ, आराम से जाके सो जाओ। मानव, एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। अगर आप अजीत की पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं अजीत की कंप्लेंट नहीं करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो दोनों परिवारों की मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं उसकी कंप्लेन नहीं करूंगा। वंदु, ए वंदु, ए वंदु, वंदु पानी देना बेटा। वंदु क्या लड़की है, मरूंगी तो भी उठने वाले नहीं है कोई। इनके लिए सब काम करो, मेरे लिए कोई नहीं करेगा काम। सविता भाई, अरे देवा, कहा पानी? पानी नहीं इसमें। चला उठा सविता भाई, उठा, पानी क्या? पानी भी नसीब नहीं है मेरे, स्वतः मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसत नहीं रे बाबा। अरे देवा, काय रे बाबा, जायला पाहिजे। शी ये लड़की गई कहाँ? इतनी रात गए? बाथरूम में देखती हूँ। मानव, इस बात से जितनी तकलीफ आपको हुई है ना, शायद उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है। इसीलिए शायद मैं वर्षा का सकरपुड़ा बीच में छोड़कर आपके साथ चली है। यकीन मानिए मानव, मैंने जो कुछ भी किया ना वो एक नाटक नहीं था। मैं आपका और आई बाबा का अपमान नहीं देख पाई। और तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अर्चना। तुम जो सोचती हो, तुम जो बोलना चाहती हो, मैं सब समझता हूं। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। अर्चना मानव को पाने के लिए दिलो जहाँ से कोशिश कर रही है उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो मुझे थोड़ा समय दे, मैं तुझे सबूत दिला दूंगी। श्रावणी बेटा, श्रावणी बेटा, श्रावणी उठना बाबा, उठना उठना। क्या क्या हुआ? अरे मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे सबूत दिखा दूंगी, वो टाइम आ गया है। ऐसा क्या हुआ है इतनी रात को? अरे मैं अभी पानी पीने गई थी ना, तो वो कलमुई अर्चना अपने रूम में नहीं है। रात के लगभग 2 बजे ये मानव के रूम में क्या कर रही है? अरे तू सोच क्या रही है, चल ना मैं दिखाती हूँ तुझे, सबूत देती हूँ, चल ना, चल चल। श्रावणी बेटा, सब देखकर अनदेखा क्यों करती है तू?
मानव तेरा होने वाला पति है, अगर वो कुछ गलती करता है तो तुझे पूछने का पूरा पूरा हक है। तू ऐसे ही चुप रहेगी ना तो ये ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा और तू अपनी आंखों से देख नहीं पाएगी। अरे कुछ तो कर, मानो तुझे चाहिए ना तो कुछ कर बेटा, आज से ही कुछ कर। तू कर, आज तुझे हिम्मत दिखानी होगी। क्या कर रही हो तुम? होश में तो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए मानो। आप क्यों बार-बार ये भूल जाते हैं कि आपकी और मेरी सगाई हो चुकी है और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है मानो। मुझे सब याद है। अच्छा तो इतनी रात गए ये अर्चना आपके कमरे में कर क्या रही थी? बोलिए ना मानो, बोलिए। मानव, अर्चना आपके साथ सत्यनारायण की पूजा में जाकर बैठ गई। आप अर्चना को मंदिर लेकर गए, अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा। मैं कुछ नहीं बोली, मेरा मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और आज वर्षा की सगाई में आप दोनों पति पत्नी की तरह सारी रस्में निभाते रहे, मैं फिर भी चुप रही। लेकिन अब बस, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती मानव। मानव, ए मानव, ये ले, ये कैसेट दे और कंप्लेंट कर उसकी। किसके खिलाफ कंप्लेंट? ये लो, पूरी रामायण हो गई और ये पूछ रहे राम की सीता कौन। अरे वो कमीना अजीत है ना, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर। पुलिस स्टेशन में जा, ये पुलिस वाले के मुंह पे फेंक कैसेट और उसको बोल वो नालायक अजीत को हथकड़ी पहना दो। नहीं नहीं मैं, ये कंप्लेन नहीं करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।